न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में जहां आज काशी प्रणाम डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ हुआ। काशी प्रणाम के माध्यम से दिखाया गया कि काशी में किस तरह से धर्म की नगरी है और किस तरह की यहां व्यवस्थाएं हैं और काशी का इतिहास बताया गया। तो यही कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र व मीडिया से जुड़े लोग भी शामिल हुए। और क्या कुछ कहना था छात्रों का और यहाँ के निदेशक का, आइए दिखाते हैं। सर, इसको देख के मतलब हम लोग जिस प्रकार से बनारस को जानते हैं, जिस प्रकार से पहचानते हैं, क्योंकि मैं बेसिकली बनारस से नहीं हूँ, तो बस सब दूर से ही जानना है, कभी जाना हुआ कभी नहीं जानना हुआ, तो बहुत इच्छा थी कि बनारस के बारे में बहुत डीप तरीके से कुछ जाने। तो जिस प्रकार से उसने 87 घाटों के बारे में, जिनका वर्णन नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन जिनका हुआ उनके बारे में बहुत अच्छे से हमें बताया गया कि वो क्यों प्रसिद्ध है, वो कब से बना और क्या हुआ है उसके साथ, तो वो सारी चीज़ें जानकर सर बहुत अच्छा लगा। और जो उन लोगों ने एक मैसेज देना चाहा है वो मैसेज भी हम लोगों तक आया है। जी हाँ सर, धर्म की बहुत सी विशेषताओं का पता चला, भारत की बहुत सी विशेषताओं का पता चला कि किस प्रकार मतलब कर्नाटक, बंगाल, हर जगह के बारे में वहां पर है घाटे, तो वो सारी चीजें भी बहुत अच्छे से समझ पाए। सर, मेरा नाम रसिका त्रिपाठी है, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परास्नातक की छात्र हूँ। हमने काशी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने, और इस ध्येय को लेकर के बनाई है कि काशी को का हम थोड़ी जानकारी अपने जो हमारे युवा वर्ग है काशी को जान सकें, पहचान सकें। काशी हमने अभी तक की देखा कि बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के उस पे या काशी गंगा जी की आरती को लेकर के या गंगा मैया को लेकर के ही ज्यादातर लोग धार्मिकता के तौर पे ही उसको मानते रहे, लेकिन काशी का इतिहास क्या रहा है, काशी किस तरह से धीरे धीरे फलीभूत होता गया है, काशी के जो घाटों की हम बात करते हैं, काशी के जो इतिहास की बात करते हैं, काशी के जो बसावट की हम बात करते हैं, उसके हम स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो वो किस तरह धीरे धीरे वो पनपती चली गई और फल फूलती चली गई, और आज काशी का विशालतम रूप जो है हम कहा जाए पर्यटन की दृष्टि से देखें या अध्यात्म की दृष्टि से देखें या शैक्षिक दृष्टि से देखें, तो कहीं ना कहीं ये बात हमने अपने दर्शकों के सम्मुख लाने की कोशिश की। मैं प्रोफेसर सुरेश शर्मा हूँ, वर्तमान में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का निर्देशक। सर, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी व उत्तर प्रदेश उर्दू अकेदमी लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में हिंदुस्तान अकेडमी में न्यायाधीश इलाहाबाद धीरेन्द्र पाल वैष्णव की अध्यक्षता में व मुख्य अतिथि उमेश चंद गणेश केसर वानी की गरिमा उपस्थिति में आयोजित मुशायरे में शायरों व कवियों ने अमर शहीदों को समर्पित रचनाओं से भावभोर कर दिया। वरिष्ठ अतिथि के तौर पर CMP डिग्री कॉलेज के उर्दू विभागीय डॉक्टर सैयद अली हैदर रिजवी, कंज्यूमर फोरम के नियंत्रक मोहम्मद अहमद अंसारी, SPPHQ इरफान अंसारी व अंजुमन रूहे अदब के सेक्रेटरी सैयद इरफान अली का संयोजक शफकत अब्बास पाशा ने मुख्य अतिथि वरिष्ठ अतिथि गणिमा व्यक्तियों को फूल माला बुके देकर स्वागत किया। तो साथ ही इस मौके पर जहां समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रहे लोगों को भी सम्मानित किया गया। बता दें जहां हिंदुस्तान एकेडमी में आज मुशायरे का आयोजन हुआ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी कवियों ने जहां शहीदों की याद में अपने अपने कलाम पेश किए, साथ ही कवियों के कलाम पेश करने पर लोग यहाँ बैठे सुनते रहें और जमकर दाद दी। बता दें मुशायरे का आयोजन सैयद शफकत अब्बास पाशा की ओर से कराया गया था। हर साल की तरह इस साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदुस्तान एकेडमी में किया गया जिसमें लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। हरी सब्जियों के महंगे दाम के साथ साथ जहां लहसुन के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे कि अब लहसुन के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किचन का स्वाद तो बिगड़ ही रहा है क्योंकि सब्जियों में अदरक और लहसुन काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जहां टमाटर के दाम बढ़े थे तो अब लहसुन के दाम से लोग परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि पिछली बार लहसुन सस्ता बिका था तो इस बार किसानों ने कम फसल बोई है जिसके कारण महंगाई है, और साथ ही लहसुन के दाम को लेकर क्या कुछ कहना है दुकानदारों का, ग्राहकों का किस तरह से परेशानी हो रही है, आइए दिखाते हैं आपको। पिछले बार जो लहसुन जो 100 का 4 किलो बिका था, इसी वजह से किसानों ने इतना सस्ता बिकने की वजह से इस बार आपकी फसल उन्होंने लगाई नहीं, लहसुन उन्होंने बोया ही नहीं, तो इसीलिए आपकी बार लहसुन बहुत कम होने की वजह से महंगा है। ये हो रहा है कि कुछ भी सामान खरीदने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
और ख़रीदने से पहले भी सोचना पड़ता है, और फिर ले दे के वही आ जाता है कि थोड़ा बहुत में ही आदमी को काम चलाना पड़ रहा है। जैसे कि हम पहले लेके जाते थे कि अच्छी खासी सब्जी चली आती थी घर में, लेकिन अब ये है कि लिमिटेड में ही हमें चलना पड़ रहा है। यार लहसुन तो कुछ ज़्यादा ही महंगा है, आदमी खरीद नहीं पा रहा है। आधा किलो के दर पे पाव भर खरीद रहा है, आधा पाव खरीद रहा है। इस दौरान समझ लीजिए कि महंगाई इतनी हो गई कि क्या बताएं। दिन भर में हम लोग 5 किलो लहसुन बेचते थे तो इस समय आधा ही किलो बेचते हैं, क्योंकि इतना महंगा है आदमी खरीदता ही नहीं।